लट देवता स्तुति मंत्रम लट देवाय विद्महे नागराजाय धीमहि शेषं प्रचोदयात्। निलट देवाय विद्महे। नमस्कार, मैं हूँ दिनेंद्र सुनी, आप देख रहे हैं SW24 न्यूज मध्य प्रदेश। और आज हम आपको बाबा भीलट देव की संपूर्ण आरती दिखाएंगे। हम मौजूद हैं खरगोन बड़वानी जिले की सीमा रेखा पर स्थित श्री भीलट देव शिखरधाम नांगलवाड़ी पर। ये प्रसिद्ध नाग तीर्थ है और यहाँ पर बाबा भीलट देव स्वयंभू विराजमान है, इस मंदिर में विराजमान है। बाबा यहाँ स्वयं भी विराजमान होकर जन जन को अपने आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद यहाँ आरती प्रारंभ होगी, इस आरती को हम पूरा दिखाएंगे। यहाँ बाबा की आरती के साथ संपूर्ण परिवार की आरती होती है, यानी बाबा भोलेनाथ की आरती और माता पार्वती आदि शक्ति की आरती होती है। आरती प्रारंभ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आरती शब्द आरार्थिक शब्द का विशेष रूप है। आरार्थिक यानी अपने आराध्य के समस्त बलिहारी जाना, अपने आराध्य के जितने भी दुर्गुण सद्गुण हैं उन सभी को अपने अंदर उतारना। आरती को कहकर ये भी कहते हैं कि जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाग, जहाँ भक्त कीर्तन करे भये प्रेम दरियाए, तहाँ हरि श्रवण करें सत्य लोक से आए। यानी आरती का ये महत्व भी है कि जहाँ जहाँ आरती होती है वहाँ भगवान श्री हरि खुद आकर के विराजमान होते हैं। और यहाँ आरती प्रारंभ होने वाली है, आज हम आपको बाबा भीलट देव की संपूर्ण आरती दिखाएंगे। ये आरती अब प्रारंभ होने वाली है, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। Oh,
Thank you.
आज हमने आपको बाबा अभिलट देव की संपूर्ण आरती दिखाई। सर्वप्रथम यहाँ जो है सर्वप्रथम बाबा भोलेनाथ की आरती होती है, जो कहीं ना कहीं बाबा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, मतलब अभिलट देव के पिता के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आदिशक्ति की आरती भी होती है। बाबा अभिलट देव बीच में विराजमान है और एक तरफ उनके एक तरफ बाबा भोलेनाथ तथा दूसरी तरफ आदिशक्ति पार्वती माता विराजमान है। आज हमने बाबा अभिलट देव की संपूर्ण आरती आपको दिखाई। हमारा आप सभी से निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी भविष्य में आपको ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसी ही महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां हम आपको दिखाते रहेंगे। एक बार इस आरती के बारे में आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस आरती के श्रवण मात्र से आदमी की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बाबा अभिलट देव को अति चमत्कारी माना गया है। ऐसा माना गया है कि बाबा अभिलट देव इस मंदिर के अंदर यहाँ स्वयंभू विराजमान है। नाग अवतारी बाबा अभिलट देव यहाँ स्वयंभू विराजमान है और बाबा भोलेनाथ ने इन्हें आशीर्वाद देकर यहाँ जन जन की दुखड़ा हरने के लिए, जन जन की पीड़ा हरने के लिए, जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विराजित किया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो यहाँ आरती में सम्मिलित होता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आज की इस आरती का आपने भी लाभ लिया। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस आरती को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आगे भविष्य में एक ऐसी ही रिपोर्ट के साथ, ऐसी ही चर्चा के साथ हाजिर होता रहूँगा। मेरी पूरी टीम, कैमरामैन दुर्गेश कुमार के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी पूरी टीम आप सभी से विनम्र अपील करती है कि इसे ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार।